नमस्कार दोस्तों। पुराने समय में इच्छाधारी नाग और नागिन को लोग बहुत अधिक महत्व देते थे, लेकिन वर्तमान के इस युग में लोग इच्छाधारी नाग और नागिन के जोड़े को अंधविश्वास के रूप में देखते हैं। दरअसल भारत में नाग और नागिन के जोड़े को बहुत ही पवित्र एवं देवतुल्य माना जाता है। यही कारण है कि भारत के कई राज्यों में इच्छाधारी नाग और नागिन के कई मंदिर स्थापित किए गए हैं। इतना ही नहीं, भारतीय सिनेमा में इच्छाधारी नाग और नागिन के प्रेम के ऊपर कई फिल्में भी बनाई गई हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भारत में स्थित इच्छाधारी नाग और नागिन के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जो कि फिल्मों की कहानियों को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन कि यदि आप भी हैं भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले के एक छोटे से गांव में इच्छाधारी नाग और नागिन का एक ऐसा मंदिर है जो कि नाग और नागिन के प्रेम की मिसाल है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस मंदिर में किसी भी धर्म को लेकर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। गौरतलब है कि इस मंदिर में सभी धर्मों के लोग आकर नाग और नागिन के जोड़े की पूजा करते हैं। लोगों की मान्यता है कि वर्ष 2002 में भरतपुर ट्रांसपोर्ट के गेट नंबर 2 के पास से एक इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा सड़क को पार कर रहा था और तभी स्पीड से आ रहे एक ट्रक की चपेट लगने से नाग की मौके पर ही मौत हो गई। नाग की मौत के तुरंत बाद इच्छाधारी नागी ने उस नाग के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया और उसी के पास अपना डेरा जमा दिया और परिणाम स्वरूप उस सड़क पर गाड़ियों का जाम लग गया था। इसीलिए उस नागिन को हटाने के लिए एक सपेरे को बुलाया गया। सपेरे ने उस नागिन को पकड़कर पास स्थित जंगल में ले जाकर छोड़ दिया, लेकिन अगले ही दिन नागिन उसी स्थान पर वापिस आ गई थी जिस स्थान पर उसके नाग ने उसको छोड़ दिया था और वहां पर आकर अपने नाग के वियोग में अपना दम तोड़ दिया। वहां के स्थानीय लोग इच्छाधारी नाग और नागिन के इस प्रेम को देखकर बहुत अधिक भावुक हो गए थे और परिणाम स्वरूप वहां के लोगों ने मिलकर इच्छाधारी नाग और नागिन का इंसानों की भांति अंतिम संस्कार किया। गांव के लोगों ने इच्छाधारी नाग और नागिन के शरीर की अस्थियों को एक ब्राह्मण के साथ हरिद्वार में भेज दिया और गंगा नदी में प्रवाहित करवाया। गांव के लोग उनके प्रेम से इतना अधिक प्रभावित हो गए थे कि उनके लिए गांव में एक मंदिर का निर्माण भी करवाया, जहां पर इच्छाधारी नाग और नागिन की कई तस्वीरें एवं मूर्तियां स्थापित की गई और उसके बाद से हर साल नाग पंचमी के दिन इसी मंदिर पर एक भव्य मेले का आयोजन होता है जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु उस नाग और नागिन के दर्शन के लिए आतुर रहते हैं। तो दोस्तों, ये आज की हमारी सच्ची और चमत्कारी घटना। पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बनता है।